नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। बड़ौदा उपचुनाव एक ऐसा चुनाव हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार हो रहा है, और पहली बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चंडीगढ़ में जो सरकार बनी, मैं ये लगातार कह रहा हूं कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली नहीं, जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा और कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएस भी है, यानी कि मल्टी इंजन सरकार है। अब इस सरकार को आए हुए भी एक साल हो गया और उसके बाद ये बड़ौदा का उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता रहा है और कांग्रेस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब का ये गढ़ माना जाता है। स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा लगातार 3 बार यहां से जीतते रहे। जब ये सीट रिजर्व अनरिजर्व हुई, यानी कि पहले ये रिजर्व थी, उसके बाद जनरल कैटेगरी में आ गई। अब ये बड़ौदा की महापंचायत है और लगातार दिन भर आज हम एक एक कर करके जो नेता, जो बड़े नेता हैं, अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, उनको आपके पास लेकर के आ रहे हैं। इस वक्त एक खास मेहमान और बहुत ही खास मेहमान भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब हैं। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत हुड्डा साहब। धन्यवाद। ये बड़ौदा चुनाव, आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है, किस एंगल से या आपके अनुसार क्यों इतना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया? देखिए, कई दफा बाई इलेक्शन जो होता है जी, वो ऐसी परिस्थिति में होता है, वो प्रदेश की जो है राजनीति की दशा और दिशा बदल देता है। जैसे आपको याद होगा 30 साल पहले महम का बाई इलेक्शन जी, बाई इलेक्शन हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ? जिस सरकार के 85 MLA थे उस सरकार को 4 महीने में जाना पड़ा। जन भावना जो है बाई इलेक्शन में उभर के आती है। आज सरकार को 1 साल हो गया और इसने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अनाउंस करा, जो वायदे किए थे, जो एक साथ विकास होना चाहिए था, वो कुछ हुआ नहीं है। इस वास्ते जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 10 साल की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसमें मुख्यमंत्री था, उसकी उपलब्धियों पे और इस सरकार की विफलता को लोग तोल रहे हैं। अगर मैं, जैसे आप ये कहते हैं कि एक सीट पे बहुत कुछ हो सकता है, एक माहौल बनता है, लेकिन जो अभी नंबर्स हैं सरकार में या ऑपोजिशन में, उस नंबर को कैसे उस पर असर डालता है? नंबर मैं बता रहा हूँ, जैसे आप अब कई इनके विधायक चेयरमैन बनने से मना कर दिया जी, रोज देख रहे हैं आप इनमें विरोधाभास कितना है, मंत्रियों में कितना विरोधाभास है। मंत्री अनाउंस करते हैं जो शराब का घोटाला हुआ था, SIT बनेगी, निकलती है SET, फिर वो कहते हैं विजिलेंस को वो देंगे। मतलब आप देख रहे हैं रोज इस किस्म की बातें हो रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपस में कोई इनका वो नहीं है। इस चुनाव में कृषि बिल जो है वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी नेता, उनका भाषण हो रहा है या सभाएं हो रही हैं, उसमें एक मुद्दा है, चाहे इधर से हो चाहे उस तरफ से हो, सत्ता पक्ष से। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया कि MSP पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि MSP बढ़ाया गया कहीं 50 कहीं 25 रुपए, उसके बाद कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों है? MSP जो है पिछले 6 साल में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं, लागत के हिसाब से। जैसे हमारा समय था जब मैं मुख्यमंत्री था जी, खाद पे भी टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर पार्ट्स पे नहीं था, बिजली सस्ती थी, 10 पैसे थी। अब हर चीज पे टैक्स लग गया, GST आ गया, तो लागत तो बढ़ गई। उस समय जो है गेहूं का, पैडी का, इनका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 12-15% हर साल बढ़ता था। अब 3-4-5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, वो अलग बात है। जहाँ तक MSP का सवाल है, ये ठीक कह रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट आया, वो भी कह रहे हैं MSP रखेंगे। लेकिन दो किस्म की मंडी बन गई, अगर ये देखें आप, एक तो वो मंडी यार्ड की और मंडी से बाहर वो छूट है, जमाखोरी की भी पूरी छूट है। भाई जितना मर्जी होर्डिंग करो आप, होर्डिंग की कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब यह, जो मर्जी जिसका भाव खरीदेगा, तो किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी, सस्ता खरीदेंगे, डिमांड एंड सप्लाई जैसे होगा, जो होर्डिंग करेंगे वो डिमांड के हिसाब से कीमत बढ़ते रहेंगे, किसान का नुकसान होगा।
मैंने पहले दिन कहा था जब ये आया, जब भी उस दिन से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि भाई ठीक है ये तीन कानून लेके आए हो आप, चौथा कानून और ले आओ कि कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई वो हो, कहीं से भी खरीदे, जो एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा, जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। तब तो किसानों जैसे पंजाब में हो गया, पंजाब में हो गया, पंजाब में तो अपने हिसाब से गया, जो मैं मेरा शुरू से है। अब 14 अगस्त की मैंने जो एक एडिटोरियल एक अपना वो लिखा था आर्टिकल जी, वो पढ़े आप। मैं ये कहता हूँ उसमें किसान के हित जब भी सुरक्षित रहेंगे, जैसे 2007 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे उनके जो लॉ मिनिस्टर का बयान आया था कि हरियाणा ने किया था, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूल्स देखोगे जी, एपीएमसी के जो मैंने रूल्स बनाए थे उसमें ये था कि जो भी एमएसपी से कम खरीदेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। मतलब ये था उसको शॉर्ट सारे टोटल कॉस्ट की शॉर्टिंग देनी पड़ती थी 15% या बैंक गारंटी जी, और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता था उसके बाद वो पैसा रिलीज होता था। मतलब एक किसान के हित की प्रोटेक्शन थी। अब जो नए उसमें नहीं है ये कोई प्रोटेक्शन, एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है, मंडी से बाहर। एक दूसरा मसला है आजकल जो बहुत उठ रहा है, वो जो बीजेपी या जेजेपी के लोग या INLD के लोग कहते हैं कि बड़ौदा में जो डेवलपमेंट का काम हुआ, INLD कहती है कि वो हमने किया, हमारी जब सरकार थी, चाहे वो शुगर मिल का मसला हो या फिर मंडियों का मसला हो, वो कहते हैं कि हुडा साहब सरकार में थे और ये इतना उनकी चौधर वाला इलाका है तो उन्होंने क्या किया 10 साल का, तो पूरे हरियाणा का विकास किया है चौधर वाले को, ये बड़ौदा भी मेरा इलाका है और पूरा हरियाणा है जी, यहाँ CHC PHC स्कूल बहुत सारे कितनी CHC बनाई है, PHC बनी है और साथ में महिला यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल कॉलेज बना है, गोहाना में हॉस्पिटल बना है और रेलवे लाइन गई है, रेलवे लाइन है। इस सरकार ने तो एक ही तो रेलवे लाइन ही बनाई, एक कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, कोई काम नहीं किया। अब ये कहा उसको यहाँ यूनिवर्सिटी बना देंगे, भाई 6 साल तक सो रहे थे। सबसे पहले इन्होंने कहा सरकार बनते जो हमने वहाँ करनाल में कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया था उसको यूनिवर्सिटी बना देंगे, उसमें तो 4 दीवार के अलावा कुछ तक बना नहीं, यहाँ क्या बनाएंगे। वो इनके झूठे वायदे होते हैं, बस ये जो है खोखले वायदे होते हैं। एक मसला और लोग इस बात को समझते हैं क्योंकि 6 साल तक कुछ हुए कहीं भी कोई, मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी 5 साल रही और अभी JJP के साथ 6 साल हुए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। एक मसला और है वो ये है कि ऑपोजिशन वाले लोग बहुत उनको परेशान है, कह रहे हैं कि पिता पुत्र दोनों भूपेंद्र सिंह हुडा साहब और दीपेंद्र हुडा दोनों आजकल 24 घंटा पूरी ताकत लगा दी है बड़ौदा में, वो डर है या फिर हर कोई बाई इलेक्शन होता है उसमें काम करते हैं जी, नई बात तो नहीं है। मैं पिता पुत्र का क्या मतलब, वो उनका अपना राजनीतिक वो है, मैं मेंबर पार्लियामेंट अकेले कांग्रेस के, मतलब वो लोग कहते हैं कि अगर इतना काम किया तो इतना घूमना क्यों है। आपके जो प्रतिद्वंदी है वो ये अक्सर आपने सुना होगा अखबार में पढ़ते होंगे। तो मैंने पहले दिन कहा था जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था जी कि मैं 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ नहीं किया, सब कुछ क्लोई में किया है। और जब क्लोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे सांपला में, वहाँ उन्होंने कहा था भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो क्लोई में कुछ किया ही नहीं, कौन सी बात सच है। तो मैंने इसी बात से कहा था भाई अगर आपको इतना है कि आपकी सरकार ने 6 साल में बहुत विकास किया है या तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप पर्चा भर दो, मैं भी पर्चा भर दूंगा, जो बड़ौदा के लोग फैसला करेंगे कि विकास किसने किया है, कितने समय में हुआ, फैसला मंजूर कर लेंगे हम। अच्छा ये आपने चैलेंज दिया था कि बड़ौदा में दोनों लोग लड़ लें, मतलब आप भी लड़ रहे हैं। उन्होंने मैंने कहा था वो चैलेंज किया जब उन्होंने कहा हमने ही विकास किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ नहीं किया, तो मैंने कहा फिर उसका तो जब भी फैसला हो सकता ना वो भी आगे चुनाव लड़ ले, पर्चा भर दे, मैं भी भर दूंगा। अच्छा ये कई आपके वो कहते हैं ना बे इंतहा इश्क, वो कुछ अपने घर में कुछ बाहर, तो जो आपसे बे इंतहा इश्क करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हुडा साहब बड़ौदा की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो अस्तित्व इसलिए भी इम्पोर्टेंट है यहाँ
कि यहाँ से आगे के मुख्यमंत्री की कुर्सी विद इन कांग्रेस भी यहाँ ये जीतना हुडा साहब के लिए बहुत जरूरी है, वरना आगे का चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का क्लेम जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। नहीं, ये तो राजनीति है, राजनीति के लिए लड़ रहे हैं, अब लोगों के लिए जो है काम करने का है। अभी पहले समझते हो, पहले जब इलेक्शन लड़े कोई वो थोड़ा ही है, अगर पार्टी मौका देगी, लोग अगर बनाएंगे फिर सेवा करेंगे। जी, एक रामविलास जी ने एक बार, आप मुझे भी याद है, मैं भी वहाँ पे मौजूद था जींद में, उन्होंने बड़ा हंसते हुए आपको कहा था कि आपने कांटा निकाल दिया, हालांकि आपने भी तुरंत लपेट लिया था कि आपका कांटा तब समझो जब खट्टर साहब को निकलवा दो। वो कह रहे हैं कि जींद में आपने उधर कांटा निकाल दिया, अब बड़ौदा में कांग्रेस के दूसरे लोग कांटा निकालना चाहते हैं। वो रामविलास जी मेरे मित्र हैं जी, लोगों ही नहीं उनका कांटा काट मैंने क्या कह रहा हूँ उनके बारे में। यहाँ पर कांग्रेस लड़ रही है हुडा साहब, या हुडा साहब बड़ौदा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो बाकी जो नेता हैं आ रहे हैं सब आए, या आप, आपकी इतनी बड़ी छवि है कि उसके नीचे सब अंडर सब आए, आपके आपके शैडो के नीचे सारे विधायक, तुम्हारी पार्टी के प्रधान सब आए भाई। जब कैंडिडेट अनाउंस हो रहा था हुडा साहब, तो एक बड़ा बवाल मच गया था कि 14 तारीख को साइन हो गया, क्यों इतने तारीख को आया, ये हुआ वो हुआ, इंटरनल मीटिंग में उसका जिक्र अब करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि जब आप हैं, जब इलम ही नहीं है तो सवाल के कोई मायने नहीं है। ये जो तारीख होती है जी, ये तो साइन करके रखे जाते हैं पार्टी में, मैंने जितने पार्टी है जी, एक जब अब बिहार में टिकट जाएगी जी, तो वहाँ उस दिन थोड़ा साइन हो सकते हैं, तो साइन पहले साइन कर दिए जाते हैं, सिर्फ जो उम्मीदवार होता है उसका नाम टाइप कर दिया जाता है, साइन करते हैं का पहले साइन होता है, ऑथराइजेशन का साइन होता है, जनरल सेक्रेटरी का होता है, किसी स्टेट का होता है, पहले साइन करके रख देते हैं, और जिस दिन टिकट का फैसला होता है लेट हो जाए तो उसी टाइम नाम टाइप कर दिया जाता है, ऑथराइज किया जाता है। बड़ौदा का अगर आप जीत जाते हैं यहाँ से, एक आपके मान लीजिए एमएलए भी पहले भी थे, अब जीतते हैं तो नंबर्स तो सेम ही रह जाएगा, बड़ौदा का भविष्य क्या देखते हैं, यहाँ क्या होना चाहिए? चलिए 10 साल पहले, 6 साल पहले आप थे, अब 6 साल हो गया, अब फिर एक 4 साल अभी और इस सरकार में समय है। देखो तो कल बताएगा, सरकार के 4 साल आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन बड़ौदा की जीतने के बाद सरकार की चूल जरूर हिल जाएगी। मौजूदा जो खट्टर साहब बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, उसका आकलन कैसे करते हैं आप? विफल किस पैमाने पर? कोई समावेश नहीं है, कोई वो नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, क्या विरोधाभास है आपस में, कोई मतलब उपलब्धि नहीं है, ये नहीं कह सकते, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही आज तक उसकी मीटिंग तैयार होकर नहीं आया है, तो क्या करेंगे आप? आपने कहा मेरे उस सवाल पर कि मैंने कहा कि 4 साल चुना जाएगा जो भी एमएलए वो रहेगा, तो आपने कहा देखो 4 साल रहता भी है या नहीं रहता, आपको आपको संशय है कि ये सरकार अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी? अभी क्या हो सकता है, परिस्थिति है, कई दफा उपचुनाव की परिस्थिति से जन जन भावना जो है या जन शक्ति जो है उसमें मजबूरी होती है, अब भी विधायक जो है बहुत सारे हिस्से में है, आप देख ही रहे हैं, कोई चेयरमैन को बड़ा वो चेयरमैन नहीं बनता है, कोई मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, इनका ऐसा ही है, ये जो किसानों पे कोई मतलब स्थिरता नहीं है सरकार में, और ये एक किस्म से दिशाहीन सरकार है जी। जो कुरुक्षेत्र में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद जो कार्रवाई हुई नहीं हुई, उसको आप कैसे उसको पूरा देखते हैं? वही मैं कहा ना, कोई एक नहीं है, लाठीचार्ज हुआ वहाँ मेरे को पता लगा, अगले दिन मैं गया वहाँ, खुद मेरे को वो उन्होंने लोगों ने लाठी दिखाई, तो अलग अलग बयान आए इनके, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा भाई बड़ा बुरा हुआ, उनके एक सहयोगी ने कह दिया ये तो चौधरी देवीलाल के उस पर लाठियां चली हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ये तो सेल्फ डिफेंस में है, गृह मंत्री जी ने कहा लाठी चार्ज ही नहीं है, तो किसको किसकी बात मानी, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे सरकारें थोड़ा ही चलती है, ऐसे जन जनहित के लिए कोई फैसले थोड़ी, एक ही बात का नहीं फैसला कर सके हैं, वही लाठी चार्ज हुआ है उसकी इंक्वायरी कराओ, सजा दो जिसने गलत किया है, मैं कोई कह रहा हुआ कोई नहीं हुआ, कोई थोड़ा हुआ कोई नहीं हुआ, कोई इतना हो गया,
जेजेपी से डॉक्टर अजय सिंह है, संस्थापक भी है, डिप्टी सीएम के पिताश्री भी है। मैं कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज का जिक्र कर रहा था, हमने कहा कि आपका स्टैंड अलग है, बीजेपी का स्टैंड अलग है और आप कार्रवाई की बात करें, उन्होंने कहा कार्रवाई हो गई, हर चीज कही नहीं जाती। हमने कहा कि क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने कहा वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, डीएम को, एसपी को, इसको उसको उसको तबादला उनका कर दिया गया, तो ये भी तो एक कार्रवाई ही है। ये तो इस बारे में क्या टिप्पणी करूंगा, अगर यही कार्रवाई है तो ट्रांसफर तो नॉर्मल बातें होती है, अकेले का क्या, कितने की है, हर महीने, मतलब ये सरकार का काम ही है बदला और बदली। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और बड़ौदा में क्या देखते हैं रिजल्ट? कांग्रेस पार्टी की जीत उम्मीदवार की। कितने से? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा मार्जिन से। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के सिलेक्शन में दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, पार्टी है, पार्टी बैठ के फैसला किया जाता है, ठीक ठाक थी तो और बहुत, एक आदमी चुनाव तो एक ही आदमी लड़ेगा। एक बीजेपी में बहुत उम्मीदवार होंगे, किसी भी पार्टी को राजनीतिक दल में उम्मीदवार होते हैं और टिकट बहुत बारी डिस्कशन करके जो एक का फैसला किया जाता है। एक आपके उम्मीदवार थे भूपेंद्र मलिक, या क्या नाम था, सब मलिक, वो बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने। एक आपके कांग्रेस के उम्मीदवार थे, टिकट चाहते थे, बहुत लोग चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन वो वहां जाकर के खट्टर साहब के साथ मंच शेयर कर रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस में बहुत घुटन है। पता नहीं, वो तो सरकारी नौकर है, सरकारी नौकरी में है। और खट्टर साहब ने कहा तो पहले से हमारे संपर्क में है, ऐसे बहुत से उम्मीदवार थे, वो एक थोड़ा ही था, 30-32 उम्मीदवार थे, कोई अपने आप को ज्यादा क्लेमेंट समझता है, कोई पार्टी सब एनालिसिस करके सब हिसाब किताब देख के जो बेस्ट कैंडिडेट है वो साथी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त देने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से। तो बड़ौदा की महापंचायत में ये खास मेहमान थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकाला। तमाम जो गेस्ट आ रहे हैं उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंतजार कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद इसी महापंचायत में एक और मेहमान।